इंटरमीडिएट इंग्लिश चैनल पर खुश आमदेद। ये एक एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल पर इंटरमीडिएट के इंग्लिश पेपर की मुकम्मल रहनुमाई और हेल्प वीडियोस की शक्ल में दस्तियाब हैं। हर शुदा 5 साल मारूजी पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को देखकर 90+ मार्क्स ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाविल गुड बाय मिस्टर चीफ्स क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 12 पार्ट 1 ऑफ 2। इस चैप्टर के भी 2 पार्ट बनाए गए हैं और 2 वीडियोस हैं। पहली वीडियो में पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड चीफ्स थिंक ऑफ गेटिंग रिटायरमेंट, व्हाई डिड चीफ्स डिसाइड टू रिजाइन इन 1913, व्हेन एंड व्हाई डिड चीफ्स डिसाइड टू रिजाइन। When did Chiefs receive his farewell party? When did Chiefs retire and how was he honored at the time of retirement? When did Chiefs retire and what was presented him on the day of his retirement? What was presented to Chiefs on his retirement? What was presented to Chiefs at the time of his retirement? ये मिलते जुलते सारे क्वेश्चन हैं और सब क्वेश्चन का नीचे एक ही आंसर दिया हुआ है। डिस्क्राइब द फेयरवेल पार्टी गिवन टू मिस्टर चीफ्स, व्हाट वाज गिवन टू चीफ्स ऑन हिज रिटायरमेंट। व्हेन डिड चीफ्स फाइनली रिटायर, व्हेन एंड हाउ डिड चीफ्स गिवन अ फेयरवेल पार्टी, व्हाट टाइप ऑफ फेयरवेल पार्टी वाज गिवन टू मिस चीफ्स। Why did Chiefs retire? When and why did Chiefs decide to retire? Why did Chiefs resign from the headship of Brookfield School? What type of farewell was given to Mr. Chiefs? When was Mr. Chiefs retired and what things were presented at his retirement? When and why did Chiefs retired for the first time? In 1913, Chiefs had bronchitis and was off nearly the whole winter term. Bronchitis की बीमारी, दम्मे की बीमारी हो गई उसे और तकरीबन पूरी winter term school's duty से off रहा। So he decided to resign that summer when he turned 65 years old. तो उसने उस मौसम में गर्मा में फैसला किया रिटायर होने का जब उसकी उम्र 65 साल हुई। ही आल्सो डिसाइडेड टू टेक अ रूम अक्रॉस द रोड, उसने सड़क के पार एक कमरा भी लेने का फैसला किया। सो दैट ही रिमेंड इन टच विद द स्कूल। इन जुलाई 1913 चीफ्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशन। क्या थे? A check, a wall clock, a writing desk, and was requested to come to school often and made a speech. Question number 2 hai, when and why did Ralston leave Brookfield 12 time aaya? When did Ralston leave Brookfield and where did he go? Why did Ralston leave Brookfield? When did Ralston लीव ब्रुकफील्ड? ये पहले सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले सवाल में दोनों बातें पूछी गई हैं, इधर लहदा लहदा, तो इस लिहाज से ये पहला क्वेश्चन 26 टाइम हो गया। रालस्टन लेफ्ट टू बेटर हिमसेल्फ, लेफ्ट स्कूल टू बेटर हिमसेल्फ 1911 एंड वाज अफर्ड हेडशिप इन अ ग्रेटर स्कूल। Who was successor of Ralston and what kind of man was he? Who succeeded Ralston at Brookfield and what type of man he was? Who was successor of Mr. Ralston? कौन जानशी बना मिस्टर रालस्टन के बाद? कौन हेडमास्टर बना? चैटरिस बिकेम हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल होम चिप्स लाइक्ड, जिसे चिप्स पसंद करता था। ही वॉज फ्रेंडली एंड यंग मैन ऑफ 34। ही वॉज ब्रिलियंट मॉडर्न विद नेचुरल साइंसेज ट्रॉपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
How did Chips pass his retired life? How did Chips spend his time just after retirement? Narrate the activities of Mr. Chips after his retirement. What were Chips' activities after retirement? How was Chips leading his life after retirement? How did Chips live his life after his retirement? Answer: after retirement, he invited the old boys to tea. He dined with the head and master. He read detective novels. He remained busy in editing Brookfeldian directory. He read newspaper. Next question hai, who was Mrs. Brool? Who was Mrs. Brool? Why did she leave for? क्यों उसने छोड़ दिया ब्रूकफील्ड को? मिसेज ब्रूल रैन अ टक शॉप देयर. मिसेज ब्रूल टक शॉप चलाती थी ब्रूकफील्ड स्कूल में. हर अंकल इन ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हर अ लॉट ऑफ मनी. उसके चचा छोड़ गए ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी उसके लिए रकम. सो शी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया. पासो लेफ्ट चल वो चली गई ऑस्ट्रेलिया. हूज फोटोग्राफ वॉज स्टिल इन द टक शॉप. जिसकी तस्वीर अभी तक टक शॉप में मौजूद थी.